नमस्ते दोस्तों, मनीष सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ओके, आज देखिए ये तीन क्वेश्चंस हैं, टेंथ में एमपी बोर्ड के अंदर बहुत आते हैं, सीबीएसई में भी कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। तीन तीन नाम है, तीनों के कितने नाम हैं, दो दो तीन तीन नाम है। अगर आपको वो याद है तो बहुत ईजी, कभी भी आपको इसका आंसर क्या हो सकता है, देखिए इसका आंसर हो सकता है एक हल, यानी वन सॉल्यूशन। कभी आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दे दें, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं बी वन बटे बी टू, तो आप क्या लगा के आना है, एक हल। एक हल के अलावा अद्वितीय हल भी कहते हैं, वन सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, एक हल। ओके, इसका आंसर। दूसरा, कभी आपको ये वाला दिख जाए, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, इसके तीन नाम हैं, अनंत हल, क्या बोलेंगे हम, अनंत हल, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। आप कहोगे सर जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ए वन बेटी ए टू बराबर बी वन बेटी बी टू। अगर आप इसे देखना चाहें तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि सपोज ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू दिया है, तो इसका वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये दो लाइनें हैं एक दूसरे को, ये टू लाइंस की इक्वेशन है, ये एक दूसरे को कितनी जगह काट रही है, एक जगह। ओके, तो एक हल, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू आपको जब भी देखे क्या लगा के आना है, एक हल। अनंत हल, अनेक हल, बहुत सारे हल कब प्राप्त होते हैं, जब एक लाइन, जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन खींच दी जाए। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कितनी जगह काट रही हैं, जितनी जगह पर एक दूसरे के आप पॉइंट रखते जाओ उतनी जगह। तो ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू का क्या आएगा, अनंत हल, अनेक हल। अब ये दो लाइनें हैं, क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, नहीं काट रही हैं, इसका मतलब है कोई हल नहीं, ये क्या है, कोई हल नहीं। ओके, कोई हल, इसको अपन क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं है। आपको कब लगा के आना है, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। यहाँ देखिए इन दोनों में ये डिफरेंस है, नॉट इक्वल, यहाँ पे भी है नॉट इक्वल, लेकिन यहाँ नॉट इक्वल पहले ही मिल गया, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू, तो इसका क्या है आंसर, अद्वितीय हल। क्या है ये तीनों, आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, 20-20 बार लिखो, 30-30 बार लिखो, लिख के आप याद करो, इन तीनों में से एक जरूर आएगा। ओके, कभी कभी ये पूछते हैं इनमें से असंगत कौन सा है, असंगत, असंगत मतलब आपके साथ, जैसे हमारे यहाँ पे संगत होता है, यानी साथ में लोग बैठ के खाना खाते हैं, उसे पंगत भी बोलते हैं, यानी जब आपके साथ एक जना भी बैठा है, आप एक के साथ बैठ के खा रहे हैं, तो वो संगत होगा, कंसिस्टेंट संगत, इसका एक और आंसर क्या आएगा, संगत। ओके, जब बहुत सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारी जगह पे लाइन काट रही है, तब भी क्या आएगा, संगत, यानी कंसिस्टेंट। तो संगत के दो आंसर हैं, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, और असंगत का क्या है, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं बी वन बटे बी टू। ठीक है, दो संगत हैं और एक है असंगत, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं, जब कोई भी आपके साथ नहीं, आप अकेले खा रहे, तो काय की संगत, संगत ही नहीं है, यानी असंगत, इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे, असंगत। जब बहुत सारे लोग खा रहे हैं, मैनी हैं, यानी मैनी सॉल्यूशन है, तब क्या होगा, कंसिस्टेंट। जब वन सॉल्यूशन है, तब क्या होगा, कंसिस्टेंट। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन होगा, तब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। याद रहेंगे ये तीन, देखिए एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है सिंपल, ये तीनों में से, और मैं आपको विथ एग्जाम्पल बता देता हूँ और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। देखिए ये तो थ्योरिटिकल हो गया, डायरेक्ट आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, छोड़ के नहीं आना है, करके जरूर आना है। ओके, यहां देखो आप, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5, ये मान लीजिए। एक और है 3x प्लस 5y इक्वल टू 6, इसको बताना है इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर क्या होगा। उन्होंने पूछा बताइए आप क्या है, इसके चार ऑप्शन दे देंगे आपको, एक हल, अनेक हल, तीसरा
कोई हल नहीं। और चौथा कोई दो हल, ये वाला है ऑप्शन, तो कभी होता ही नहीं है, कोई दो हल तो कभी होता ही नहीं है, आपको कभी लगा के नहीं आना है। बचे इन तीनों, तीनों में हम चेक कर लेते हैं। देखिए एक हल का मैंने क्या करवाया था, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू, और बीच में क्या लगवाया था आपसे, बराबर नहीं। ओके, ये होता है एक हल का। देखो दो बटे तीन है, दोनों को नीचे लिख दो एक्स हटा के, एक यहाँ है और पाँच यहाँ है, एक से लग रहे हैं, दो के बराबर है क्या, नहीं है, तो क्या आया, बराबर नहीं, तो इसका आंसर क्या है, एक हल। आया समझ में? और देखिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट बहुत सारे करवा देता हूँ, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू हैव डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। 4x प्लस 8y इक्वल टू 6, 8x प्लस 16y इक्वल टू 12, इसमें बताना है आपको। देखिए पहला वाला a1, दूसरा a2, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ओके, 4 पहले के जस्ट नीचे संख्या संख्या को रख दो आप, अपॉन 8, 8 अपॉन 16, 6 अपॉन 12, जस्ट x वाले के नीचे x को हटा के लिख दो, y वाले के नीचे y को हटा के लिख दो, तीसरा ये काट लो, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, 8 बन जा 8, 8 टू जा 16, 6 बन जा 6, 6 टू जा 12, 1 अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 2। बताइए मैंने ये आपको करवाया था, कौन सा होगा, अनेक हल, कौन सा वाला लगा के आना है, अनेक हल। ओके डन, और सीखिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, इसमें x का मान बताना है आपको क्या होगा और y का मान बताना है क्या होगा। तो आप ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन अलग अलग रहेंगे, मान के चलिए ये है ऑप्शन, ये चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन से करना हमेशा बहुत इजी पड़ेगा, और ऑप्शन आपको मैक्सिमम गिवन रहते ही हैं, बाकी बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, वो भी सिखा दूंगा, लेकिन ऑप्शन से करना बहुत आसान है। 12 चाहिए, देखो 6 और 6 12, 9 और 3 12, 10 और 2 12, जोड़ो 6 और 6 को जोड़ दो 12, 9 और 3 12, 7 और 8 को जोड़ो 7 और 7 14 15, तो ये आंसर तो चला गया। अब माइनस करके देखो दो किस में आ रहा है किसी में, देखो आप माइनस कर करके देखो, 6 में से 6 गए 0, क्या 0 चाहिए था, तो ये नहीं है, 9 में से 3 गए कितने बचे, 6 है क्या, नहीं है, 7 और 5, 7 में से 5 गए 2। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको करना है। ओके एक और वैरायटी देखो, आप करके बताओ मुझे आंसर इसका, ऑप्शन है ये 5.5, 6.4, 9.1, 8.2, चलिए जल्दी बताइए आंसर। तेज फास्ट, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 9 और 1 10, 8 और 2 10। ओके इसके अलावा अब आप देखिए, 10 में से 1 गया, ये 9 में से 1 गया, बताइए 9 में से 1 गए कितने बचे, 7। आठ और में से 2 गए 6, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 5 गए 0, कोई सा है,
नहीं है, इसका आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, आपको बोर्ड में नंबर मिल जाएंगे, आप कोई सा भी लगा के आइए। लेकिन आप आसानी से चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसी जगह अगर यहाँ दो लिखा होता तो आप ये लगाते, सात लिखा होता तो ये वाला लगाते, नौ में से एक गए, आठ, ये वाला, आठ में से दो गए छः, फिर आप ये वाला, अगर छः लिखा होता तो ये वाला आ रहा है। सिंपल जोड़ना है, सिंपल घटाना है, जोड़ और घटाना तो कर पाओगे। एक और इसमें से थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है, जल्दी से देख लीजिए। आप वीडियो देखिए लास्ट में, आप अपना एग्ज़ाम देखे आइए, चाहे मैंने एग्ज़ाम दे रहे हैं चाहे सफली, आप ये ऑब्जेक्टिव करिए और फिर बताइए मुझे कि आपको बने या नहीं बने। ओके, के का मान निकालना है, किसका मान, किसका मान, के का, किसके लिए निकालना है, क्वेश्चन में देंगे एक हल के लिए या अद्वितीय हल के लिए, वन सॉल्यूशन के लिए निकालना है, किसके लिए, एक हल या अद्वितीय हल। ओके, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था एक हल का, याद करो जल्दी जा जाके, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं बी वन बटे बी टू, ए वन का मान कितना है चार, ए टू का सात, बी वन का पाँच के, बी टू का दस, दस का चार में चालीस, सात पन्ना पैंतीस बराबर नहीं के, काटो, आठ बटे सात, के की वैल्यू आठ बटे सात, सिंपल, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर होगा, काट लेना, अगर कट रहा है नहीं कट रहा है तो यही है, तो वहाँ आप लगा देना के इज़ नॉट इक्वल टू एट अपॉन सेवन, अद्वितीय हल के लिए के की वैल्यू नहीं हो सकती आठ बटे सात। ओके, आप खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए और फिर मुझे बताइए। धन्यवाद।